सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के संस्कृत के अंदर आज का जो प्रकरण है वह है शब्द प्रयोग, अर्थात शब्दों का प्रयोग। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था भाग 2 के अंदर स्त्रीलिंग शब्दों का शब्द प्रयोग। उससे पहले हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग। तो हम उन्हीं प्रकरण के आगे आज भाग 30 के अंदर नपुंसक लिंग शब्दों का वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार किस प्रकार से इन शब्दों का वाक्य बनाते हैं, तब वाक्यों के अंदर इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द क्या है, इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो देखिए, वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें नपुंसक जाति का बोध होता है तथा न ही हमें स्त्री जाति का बोध होता है, तब वे क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है वो सारे क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। कमलम जिसका अर्थ है कमल, फलम फल, कार्यालय कार्यालय, मित्रम मित्र बंधु, सखा चक्रम पहिया, चक्रम बैलगाड़ी। तो इन शब्दों को अपन क्या करते हैं, वचन के अनुसार प्रयोग करते हैं, द्विवचन बहुवचन। तो इनको एक वचन को, द्विवचन को और बहुवचन में इन शब्दों को किस प्रकार से कैसे लिखते हैं, देखिए। तो कमला एक वचन में है, अर्थात कितने कमलों की संख्या है, एक कमल। इन्हीं को द्विवचन में लिखेंगे तो क्या इसका रूप बन जाएगा, कमल का कमले। और यहाँ पर संख्या कितनी बता रहा है भाई, कमल संख्या है, कमले लिखते ही दो संख्याओं का बोध हो रहा है। देखिए इन्हीं को वापस अपन इसी का रूप है कमला नहीं लिखते हैं, बहुवचन बन जाता है। बहुवचन के अंदर लिखने पर हमें दो से अधिक की संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है। तो इनका नहीं कमला कमले कमलानी। इसी प्रकार से फलम का क्या हुआ, फलम फले फलानी, कार्यालय कार्यालय कार्यालानी, मित्रम मित्रे मित्राणी, चक्रम चक्रे चक्राणी, शक्तम शक्ते शक्तानी। ठीक है, तो ये अपने क्या क्या है शब्दों का वचन के अनुसार हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। देखिए आप हम लेते हैं क्रिया को, वाक्य बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कर्ता की और क्रिया की। छोटे वाक्य सिंपल वाक्य हमें बनाने हो तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कर्ता की और क्रिया की, यानी कार्य को क्या कौन कर रहा है और क्या कार्य हो रहा है। तो देखिए क्रिया का प्रयोग, क्रिया के लिए दीक्षति, दीक्षति का अर्थ क्या है, खिलना, वृक्षति क्रिया है, पत्ति इसका अर्थ गिरना, चलती इसका अर्थ चलना, आगृति आना, भ्रमति घूमना। इसी प्रकार देखें भ्रमति दो बार लिख दिया, गृति जाना। तो ये सब क्या हो गए हमारे सामने क्रिया है। तो देखें इन्हीं क्रियाओं को हम द्विवचन में लिखेंगे तब क्या होगा, द्विवचन लिखेंगे तब वृक्षति का क्या हो जाएगा, विक्षता विक्षति। इसी को बहुवचन में लिखेंगे क्या होगा, विक्षति, यानी कि खिल रहा है और कितना फूल खिल रहा है, एक खिलेगा तो विक्षति, दो फूल फूल खिलते हैं हमारे सामने तो होगा विक्षता, दो से अधिक फूल खिलते हैं तो क्या होगा, विक्षति। इस प्रकार पत्ति पतता पतंती, चलती का क्या बना, चलती चलता चलती, आगच्छति आगच्छत आगच्छन्ति, भ्रमति भ्रमता भ्रमन्ति, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, इसका अर्थ है जाना।
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनका हम क्रिया के अंदर जब वाक्य बनाते हैं तब हम इनका किस प्रकार से कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम इनका वाक्यों के अंदर प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, वाक्य में इनका प्रयोग किस प्रकार से कैसे तो देखिए अपन ने अगले वीडियो के अंदर जो समझा था तो वो कि वो सेम जो इसका जो फॉर्मूला है वही रहेगा। क्या वो इसमें क्या है आज मैंने पढ़ाया था नपुंसक लिंग, इसके पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में क्योंकि अपन ने समझा था, तो सेम जो से आगे हमने समझा था इनका भी समझने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जगह क्या आया है नपुंसक लिंग शब्द। तो देखिए कमला एक है, कमल है और क्या कर रहा है खेल रहा है, जहां से अपने समझ लिया है कमल एक वचन कमला उसकी क्रिया एक वचन क्या आएगा वृक्ष। तो क्या आ गया देखिए पहला वाक्य करना है कमला कमल वृक्ष क्रिया, कमल क्या कर रहा है खेल रहा है, दो कमल खेल रहे हैं तो द्विवचन से लेंगे कमले कमले, जो अपने द्विवचन से कमले लिया है तो अपन क्रिया भी द्विवचन से ही लेंगे तो क्या आएगा वृक्षतः। हम यहां से क्रिया को सेम भी कर सकते हैं बदल सकते हैं उनमें से कोई भी क्रिया ले सकते हैं, लेकिन द्विवचन का करता होगा तो क्रिया भी द्विवचन की लेनी होगी, लेकिन बाद में मिलना चाहिए इस प्रकार से कमल है और कमल का पत्ता गिर सकता है पत्ता गिर सकता है चल नहीं सकता देखिए आप नहीं ले सकते हैं आगे चल आता है ये भी नहीं ले सकते हैं भरमत घूमता है ये भी नहीं ले सकते हैं गचक ये भी नहीं ले सकते हैं। तो क्रिया और कर्ता के बीच में तालमेल होना चाहिए उसका सही प्रकार से वाक्य बनना चाहिए इस प्रकार से हम को ले सकते हैं। तो देखें कमलानी बहुवचन कमलानी कहेगा जब बहुवचन का लिया है तो क्रिया भी क्या लेंगे बहुवचन की क्या होगा विक्षन्ति कमलानी विक्षन्ति कमल क्या कर रहा है खेल रहा है कमल खेल रहा है कमले विक्षन्ति विक्षन्ति दो कमल मिल रहे हैं कमलानी विक्षन्ति सारे कमल या दो से अधिक कमल क्या कर रहे हैं खिल रहे हैं विकसित हो रहे हैं। अब देखें इसी प्रकार हम अगला वाक्य बनाते हैं इनमें से कोई वाक्य अपन दे सकते हैं जैसे हम देख सकते हैं फलाम फलम का फलानी हमने फलानी 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 आपने कहा से लिया है बहुवचन फल शब्द का बहुवचन जिनमें से क्रिया है फल शब्द की बहुवचन से क्रिया क्या होगी पतंती दे रहे अपन पतंती पतंती का अर्थ गिरना पत्ती पतता पतंती यानी कि बहुत सारे फल हैं वो क्या कर रहे हैं गिर रहे हैं। तो देखें इसी प्रकार वो कार्यानम कार्यानम यानी कि कार्य क्या कर रहा है चलती चल रहा है कार्यानम चलती कार्यान चल रहा है। इसी प्रकार वो मित्रम मित्रम क्या कर रहा है मित्रम आगस्ती आ रहा है आगस्ती मित्र आ रहा है। इसी प्रकार देखो चक्रम पहिया पहिया क्या कर रहा है भ्रमति जैसे मैंने क्रिया कार्य करने वाला जो नपुंसकलिंग का शब्द है चक्रम एक वचन से लिया है इसी प्रकार क्रिया भी लेंगे एक वचन से क्या लेंगे भ्रमति चक्रम भ्रमति क्रिया क्या कर रहा है घूम रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपने एक दो तीन चार पाँच छः सात वाक्य को मैंने बनाए हैं इसी प्रकार आप भी एस एम यू के अंदर कितने वाक्य बनाओगे आप भी सात वाक्य सात वाक्य इसी प्रकार मैंने बनाए इसी प्रकार सात वाक्य का वाक्य देना है बच्चों का
इसी प्रकार आपको भी सात वाक्य अपने कॉपी के अंदर लिखने हैं और इन सबको आपको पहले क्या करना है, समझना है और अब जाओ तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वाक्य ही बनाने हैं। अपनी कॉपी के अंदर वाक्य का निर्माण बनाओगे, कितने वाक्य बनाओगे, सात वाक्य। कैसे बनाओगे, यानी कि जैसे फलादी में फला फले फलादी बहुवचन में है तो यहाँ से क्रिया क्या लोगे, क्रिया क्या करेंगे, बहुवचन विक्षति पत्ति क्या लेंगे, पतंती, बहुत सारे फले हो गया, हो रहा है गिर रहे हैं, इस प्रकार आप भी ये वाक्यों को बना सकते हैं। तो देखें इसी प्रकार चक्र का और सप्तम का ये वाक्य मैंने दिलाया, सप्तम के तीन वाक्य आप बनाते हैं, सप्तम सप्ते सप्तानी, सप्तम शब्द लेंगे तो सप्तम के लिए क्या करेंगे, गच्छति यानी बैलगाड़ी है वो क्या कर रही है, जा रही है, सक्ते गचत दो बैलगाड़ियां जा रही है, सप्तानी गचंती सारी बैलगाड़ियां हैं क्या है, जा रही है, बहुत से अधिक बैलगाड़ियां जा रही है। इन्हीं प्रकार से आप इन शब्दों को लेते हुए शब्दों के वचन के अनुसार क्रियाओं के वचन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं, वाक्यों को अच्छी तरह से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इन्हें जरूर लाइक करें, शेयर करें और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन्हें समझने का प्रयास करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में भी आ गया होगा, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन वाक्यों का निर्माण करें। प्यारे बच्चों आप ये कार्य करने के बाद आप इसका एक कॉपी की फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं और आप चाहे तो पर्सनल भी भेज सकते हैं। आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं विराम अगली वीडियो के अंदर, इसी के साथ में धन्यवाद।